मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम नीट के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम अपने लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हम इम्प्लीमेंट करें कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। हम सब जानते हैं कि जो हमारा जीवन है एक ट्रेन के सफर की तरह है। हमें सफर करना है, जीवन जीना है। अगर उसको हंस के जिएंगे तो और आसान हो जाएगा, अगर दुखी होके जिएंगे तो हमें सफर काफी लंबा लगेगा। सफर तो आखिर हमने करना ही है, और सफर में किस को कौन सी स्टेशन पर उतरना पड़ जाए ये अभी हमें पता ही नहीं है। तो हम ऐसे कौन से मंत्र यूज करें हमारी लाइफ में कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेटल हो जाए। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे जीवन में काफी धन दौलत मान सम्मान मिले। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये जानता हूं कि इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे। ये वीडियो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि किसी न किसी, इतने लोग देखते हैं, मान लो 1000-1500 लोग भी देखेंगे तो कम से कम एक आदमी को फायदा होगा, वो भी सफिशियंट है। मैं आपके, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स जैसे सोच विचार से ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके बड़े भाई जैसे विचार सोच के ये वीडियो बना रहा हूं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, आप मेरे विचारों से सहमत ना हो तो मेरे को यहां माफ कर देना और इस वीडियो को यहीं रोक देना, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट या किसी भी आदमी को ईर्ष्या व घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अपने लाइफ में कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। मैं जानता हूं कि ईर्ष्या करने से नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक हरेक आदमी के अंदर उत्पन्न होती है। तो आप ऐसा, जब आपके अंदर किसी का ईर्ष्या भावना का ये विचार आता है तो उसको वहीं त्याग दो, आप सोचो ही मत। क्योंकि हरेक आदमी अपना एक मकसद लेके जीवन में एक मकसद से जीता है, तो सब अपने मकसद से जी रहे हैं। हम क्यों किसी के लिए ये सोचें कि यार इसने तो ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा होना चाहिए था। ईर्ष्या जो है वो आगे जो आदमी प्रोग्रेस करता है उसका पतन है, मतलब कि उसको आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब आप किसी से ईर्ष्या करोगे, आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो कभी भी आप किसी से ईर्ष्या मत रखो। पहला पॉइंट यही है, किसी से ईर्ष्या मत रखो। इसी से जुड़ा हुआ है घमंड। हमारे पास क्या है जो हम घमंड करें? हमारे पास कुछ नहीं है, ये सारा ऊपर वाले की देन है। हम क्या कर सकते हैं? घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है। ईर्ष्या और घमंड ये विनाशक है, विनाशकारी है, हमारे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जब जब भी आपके मन में कभी भी ये विचार आए, क्योंकि हमारे किसी से अगर हमें ईर्ष्या होती है तो मालूम तो चल ही जाता, इस प्रकार से अगर विचार आए दिमाग में तो आप मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना। सभी का अपना जीवन है, सब इस संसार में जीवन जीने के लिए आए हैं, और इस जीवन को जीने के लिए अगर सुखी बनाना है हमें तो ईर्ष्या और घमंड को छोड़ना होगा। आपने अगर मेरे YouTube चैनल का बैनर देखा होगा तो मैंने उस पर यही लिखा है, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, हमारी अपनी मंजिल हमारी अपनी दौड़। आपको एक मंजिल सेट कर लेनी है, और आपकी मंजिल है डॉक्टर बनना, तो आपकी तो मंजिल सेट है, उस पर आपने कैसे कैसे पहुंचना है उस मंजिल तक, उसके लिए आपको प्रयास करने हैं। दूसरा चाहे किसी तरह से प्रयास करे, कैसे वो उस मंजिल पर पहुंचे, कौन मंजिल पर पहुंच गया है कौन नहीं पहुंचा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी मंजिल दिखाई दे रही है, हमें डॉक्टर बनना है। दूसरी बात है, हमेशा आप डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी
कभी भी नुकसान में नहीं रहता है, वो हमेशा फायदा रहता है, वो फायदे में रहता है। आप हमेशा टाइम से अपना डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से करें, टाइम से सोएं, टाइम से पढ़ें, सारा सब कुछ एक डिसिप्लिन में करें, सारा समय के अनुसार करें। किसी को भी अगर आपने बात करना है, बोलना है, तो अच्छा बोले, सभी से अच्छी तरह से बात करें। उससे आपको एक फायदा होगा, जो आपके सामने आपकी बातें सुन रहा है, अगर आप उससे रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्टेबल बात करेगा, आपसे रिस्पेक्ट से वो भी बात करेगा। अगर आप उससे तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, वो भी तू तड़ाक से बात करेगा। हम क्या है कि दूसरे को सम्मान नहीं देते, हम सम्मान चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, वो भी हमारे को नहीं देगा, तो आपके टेंशन हो जाएगी। तो जब हमें टेंशन होगी, हमारा समय बर्बाद होगा, हमारे दिमाग में वही बात घूमती रहेगी। तो सफल जीवन जीने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है, और सफल वही होता है जो अनुशासन में रहता है। ये पूरी लाइफ आपने ये ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में रहना है हमेशा। इसके बाद में तीसरा है, आत्मविश्वास और धैर्य बना के रखना है, कॉन्फिडेंस आपने रखना ही है। ऐसा नहीं है आपका ये अगर अटेम्प्ट खराब चला गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि और अटेम्प्ट आएंगे ही नहीं, और आपके पास में बहुत से मौके हैं। हमने पहले भी देखा है, जिसका अटेम्प्ट फेल हो गया वो नेक्स्ट के अंदर काफी अच्छा प्रोग्रेस करता है। पिछली बार मैंने काफी स्टूडेंट से बात की थी, उनको ये सजेस्ट किया था कि आप अगली बार तैयारी करो, देखा तो इस बार उनके काफी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस बार करूंगा, और उसके लिए आपने धैर्य बना के रखना है। उसके लिए आप धैर्य बना के रखो कि ये जरूर करूंगा मैं, होगा ये, क्यों नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। हमने पहले भी देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स, कोई कोई बच्चे तो 12th या 10th में 60% वाले बच्चे ने मौलाना आजाद में एडमिशन लिया, तो ये आपका अवसर यहीं खत्म नहीं हो जाता, आपके पास बहुत मौके हैं, अभी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास में एक आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मैं इस काम को करूंगा, मैं नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनूंगा। इस बार चांस चला गया तो क्या हो गया, और बहुत मेरे पास में चांस है। और ये अभी नहीं, आप पूरी लाइफ में भी इसको आपने इंप्लीमेंट करना है, आत्मविश्वास और धैर्य को। समय इंसान का बदलता रहता है, आज जो समय है वो कल को नहीं हो सकता है। आज समय मेरा अगर सही नहीं चल रहा है तो कल को आने वाले टाइम में समय अच्छा चलेगा, क्योंकि समय बदलता रहता है। और मैं आपको एक चीज यहां बता दूं कि समय इंसान के हरेक घाव को भुला देता है, समय इंसान के हरेक घाव को भुला देता है। इस बार आप असफल हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार सफल होंगे, आपका ये समय आप भूल जाओगे। तो आपने हमेशा आत्मविश्वास और धैर्य बना के रखना है, और ये आपको पूरी लाइफ में बना के रखना है। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच, हमेशा आप पॉजिटिव सोच रखो। देखो, इंसान के सोचने के दो तरीके हैं, या तो वो नेगेटिव सोचता है और या पॉजिटिव। एक ही चीज को दो आदमी दो पॉइंट से सोचते हैं, एक पॉजिटिव सोचता है और एक उसी चीज को नेगेटिव सोचता है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। इसके बाद नेक्स्ट में है मेहनत करो। ये तो मैं आपको हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं, मेहनत करना है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपके अगर नीट में ये मेहनत काम नहीं आ रही, दूसरे कोर्स में मेहनत काम में आ सकती है। नीट में आप मेहनत करोगे, आपके एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये मेहनत काम में आएगी। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे अवश्य ही आप सफल होंगे। नेक्स्ट, आप हेल्पफुल बने, आप किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल बने। ये नहीं कि अपना नुकसान करके दूसरे के लिए हेल्पफुल बने, आप अपना फायदा रखते हुए दूसरे के लिए हेल्पफुल रहें। आपको कहीं ना कहीं उसके बदले हेल्प जरूर मिलेगी। तो एक ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। जाते जाते मैं आपको फिर एक बात बता देता हूं,
घमंड मत करो, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत रखो किसी से, आत्मविश्वास और धैर्य बना के रखो, पॉजिटिव हमेशा सोचो, मेहनत करो, आप जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। ये मेरी बात आप पूरी लाइफ में याद रखना। मैं आपके पेरेंट्स जैसा होकर के आपको ये बातें बता रहा हूं। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके बड़े भाई के नाते इस प्रकार की बातें आपको बता रहा हूं। ये आपके लाइफ को सुखी बनाएंगी। जब जब आपको प्रॉब्लम आती है, कभी किसी से टेंशन होती है, कभी ईर्ष्या होती है, तो ये मेरी बात आप जरूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मिलेंगे, अभी जो नेक्स्ट में मिलेंगे वो नीट की इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे। ये एक ऐसा वीडियो था कि मैं सोचा आपके साथ में शेयर करूं ताकि किसी को तो कुछ फायदा होगा। तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।